नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस समय हम लोग मौजूद हैं करारखेड़ा में। करारखेड़ा एक ऐसा नाम जो 1993 में पहली बार चर्चा में आया। पिछोर विधानसभा एरिया जो मध्य प्रदेश की एक हाई प्रोफाइल विधानसभा रही है, उसी विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है ये करेरा, जहां जन्मे केपी सिंह कक्काजू। यहां से लगातार 6 बार से विधायक चुने जाया करते हैं और अभी भी वर्तमान समय में भी वो यहाँ से विधायक हैं। तो आज हम लोग उन्हीं की गाड़ी पर यहाँ बैठ कर के अवलोकन कर रहे हैं, उनकी गाड़ी को देख रहे हैं। इस गांव में आए थे केपी सिंह कक्काजू का इंटरव्यू करने की केपी सिंह कक्काजू का इंटरव्यू करेंगे, लेकिन वो अभी यहाँ है नहीं। बताया गया है शिवपुरी में है, तो शिवपुरी में जा कर के आप लोग मिल लीजिए। तो हम लोग शिवपुरी भी जाएंगे, केपी सिंह कक्काजू से मिलेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों को एक बात बता दें। ये शानदार आप लोग देख रहे होंगे, पुराने समय का इतिहास है, पुराने समय का माहौल है। और आज भी बीते 30 वर्षों से लगातार विधायक चुने जाने के बाद भी आज भी यहाँ की परिस्थितियाँ पूर्वज जो पूर्व के समय में जो गड़ियाँ दिखाई देती थी, पूर्व के समय की जो हालचाल हुआ करते थे, वही आज यहाँ पर हालचाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सौरभ गोस्वामी जी हैं। गोस्वामी जी, कैसा लगा यहाँ पर? रामलखन जी, जब हम और आप पिछोर में थे या पिछोर की चर्चा करते थे, जब हम पिछोर कभी नहीं आए, तो कक्काजू मतलब पिछोर, पिछोर मतलब कक्काजू हम लोग समझते थे। जब पिछोर आए सुना कि जैसे और जगह के नेता लोग होते हैं, 10-20 गाड़ियों का काफला, बड़ा दिखावा, ये सब होता है। जब यहाँ तो पता चला कि केपी सिंह जो व्यक्ति हैं वो अकेले बैठे हैं, एक उनका सिक्योरिटी इंचार्ज खड़ा है और करीबन 2-3 हज़ार लोगों ने घेरे हैं और वो अकेले सुन रहा है सबकी, मतलब लोगों की बातें सुन रहा है और फिर वो अपनी बात रख रहे हैं। लोगों से पूछा तो पता चला कि यहीं से तकरीबन 15-16 किलोमीटर दूर गांव है जहां केपी सिंह रहते हैं। पिछोर में उनका कोई घर नहीं है, जो सरकारी गेस्ट हाउस है वही, मतलब वहीं पर वो बैठा होती हैं। तो लगा कि जो 6 बार से विधायक हैं, जिनको लोग सम्मान की बात करें, कुछ और तरीके की बातें करते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ जब वहाँ से चले हम और आप, तो हमारे दिल के अंदर बहुत सारे इस प्रकार की उमड़ाइयाँ उठ रही, तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि शायद कैसी गड़ी होगी, कैसा महल होगा, बड़े बड़े घर होंगे, ये तमाम चीज़ें चल रही थी। क्योंकि 30 साल से कोई विधायक है और फिर विधायक होते तो अपने पावर होते हैं, जनता भी कुछ इस तरीके समझती है, लेकिन जब यहाँ आए तो अपन स्वच्छ पूरी तरीके से स्वच्छ रह गए कि अरे साधारण परिवार जैसे दिखने वाले हैं, जैसे केपी सिंह कक्का जी की बॉडी लैंग्वेज लगती है, ये सब महसूस हुआ है। एक और मैं आप लोगों को बात बता दूं, हम लोगों के यहाँ आने से पहले जब लोगों से चर्चा हुई तो तमाम तरीके से चर्चा हुई कि वो बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े कारोबारी हैं, लेकिन अभी तक हालांकि हम लोग ये नहीं जानते कि उनके कारोबार क्या चलते हैं, उनका व्यापार क्या है। लेकिन एक बात हम लोग आप लोगों को बता दें, पिछोर में कई बार हम लोग कवर कर चुके हैं पूरे चुनाव को, इस बार जो आने वाला चुनाव है इसको हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं। तो ना तो पिछोर में केपी सिंह कक्काजू का कोई अपना मकान है, और यहाँ आने पर ही पता चलता है कि वो यहाँ पर लगातार हर रात को रुकते हैं और यहीं से पूरी राजनीति को चलाते हैं। जैसा सौरभ भैया ने भी हाल में बताया कि वो अकेले बैठा करते हैं, ये उनकी एक अलग क्वालिटी है, अन्य क्षेत्रों के विधायकों से एक अलग उनका मैसेज जाता है। 500 लोग खड़े हैं उनके बीच में, वो अकेले बैठते हैं और उन 500 लोगों के बीच जनता जो होती है वो डायरेक्टली बात कर लेती है, और ये सबसे अच्छा मैसेज जनता के भीतर जाता है। तो और एक चीज़ और हमने एक महसूस की, जो विधायक हैं एक सिस्टम है जी, चूँकि 30 साल हो गई हैं, तो नो डाउट जिन लोगों ने यहाँ पर, चूँकि तमाम प्रकार की राजनीति है, भारी लोगों का भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर है, तो जिन लोगों पर कार्रवाइयाँ हुई, जिन लोगों को गलत कामों से रोका गया, वो आज बड़ी मात्रा में एकजुट हो गए हैं, ये चीज़ महसूस हुई है। और जब किसी को रोका जाता है तो वो दुश्मन जैसा हो जाता है। तो आज जो केपी सिंह के खिलाफ में माहौल बना थोड़ा सा, वो कहीं ना कहीं कक्काजू जो एक सिस्टम चला रहे हैं, उस व्यवस्था को ना वो क्रॉस करेंगे ना कोई क्रॉस करेगा, वो भी उस मर्यादा में हैं। कानूनी सिस्टम जिस प्रकार से चलता है और जिस प्रकार से व्यवस्थाएं चलती हैं, उसको चलाने में केपी सिंह कक्काजू का एक बहुत बड़ा योगदान है, एक ट्रस्ट पैदा किया है लोगों के बीच में। अभी आपको बताया, पिछली बार जब हम लोग वहां थे तो एक फरियादी आया और उन्हें कहा कि हमने आपने दारू छोड़वाने के लिए जो मुहिम चलाई थी,
जो बड़े बड़े कथावाचक हमारे धीरेन्द्र के शास्त्री जैसे युवा कथावाचक जो हैं वो उसमें बड़े कामयाब हो रहे हैं कि हमसे जुड़ना है, बागेश्वर धाम से जुड़ना है तो आपको दारू छोड़नी पड़ेगी। ऐसे केपी सिंह से जुड़ना है तो केपी सिंह ने नशा मुक्ति के लिए बहुत बड़ा एक बड़ा योगदान रहा, उसमें कई लोग सुधरे, कई घर सुधरे। तो फरियादी आके उन्होंने कहा कक्का जी आपने कहा था तो हम तो छोड़ दी, लेकिन जो दो चार लोगों से हम लोग बड़े परेशान है जो दारू पी के परेशान कर रहा, तो जो दारू पिए थे उन्हें छोड़ दी और जो दारू पी रहे वो परेशान कर रहे उनकी शिकायत करवे आए लोग आए। तो थोड़ा एक ऐसा है कि लोग खंड के अंदर भरोसा पैदा कर रहे केपी सिंह कामयाब रहे, इसी कारण से वे 6 बार से विधायक बनेंगे। यहाँ पर लगातार मैं आप लोगों को बता दूं 1993 का समय आता है, पहली बार केपी सिंह विधायक चुने जाते हैं और उसके बाद 1998, 2003, 2008, 2013, 2018 लगातार 6 बार वो यहाँ से विधायक चुने जाते हैं और जनता का प्रेम उनके ऊपर लगातार। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर 5-7 हज़ार के आसपास क्षत्रिय समाज का वोट बैंक है और लोधी समाज करीब 55-60 हज़ार के आसपास यहाँ पर लोधी समाज का वोट है। और लगभग अभी मैं 15-20 साल के आसपास के चुनाव को देखूँ तो हमेशा लगभग लोधी कैंडिडेट ही उनके सामने रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जनता पर लगातार अपना प्रभाव बना करके उन्होंने रखा और परिस्थितियां कभी नहीं उन्होंने पलटनी दी। और इस बार पता नहीं क्यों अभी भी ये कारण स्पष्ट नहीं है कि वो क्यों छोड़ छोड़ करके शिवपुरी। देखिए हम बताएं राम लखन जी, चूंकि जिस प्रकार से इस समय प्रदेश की राजनीति है, कांग्रेस एक तरफ जनता ने पहले नकारा, फिर जैसे ही अभी चुनाव हुआ उसमें वहाँ एक अच्छा परिणाम आया, मध्य प्रदेश में एक माहौल बन रहा है, जो बड़े लीडर्स पहले बाहर थे जैसे दिग्विजय सिंह 10 साल से राजनीति में संन्यास में थे, कमलनाथ अभी एंट्री ली, जब वो चुनाव में बड़ा उनके साथ खेल हो गया तो उन्हें लगा कि यार ऐसा भी होता है, तो एक प्रकार से कांग्रेस के प्रति लोगों की एक सिंपैथी पैदा हुई, वो माहौल बना। लेकिन केपी सिंह ऐसे कई और विधायक हैं जो लगातार जीतते आए, तो वो उनकी एक नीति थी जिसके कारण वो जीतते आए हैं। आज अगर कोई 30 साल लगातार शासन करे तो वो गुंडागिर्दी के दम पे तो नहीं कर सकता, वो भी अपनी दम, और वो भी जब जहां जिसके 6-7 हज़ार समाज हो में तक के समाज के अलावा कांग्रेस की खराब परिस्थितियां नहीं है, प्रदेश में मुख्यमंत्री दूसरे का बैठा हो लेकिन उसके बावजूद और कोई बड़े लीडर हो नहीं, तो ऐसे में अपनी व्यवस्थाएं और अपने लोगों को भरोसा और उनकी सुरक्षा, कहीं ना कहीं सुरक्षा जो इन्होंने प्रदान की कि हम हैं कक्काजू हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो एक उनकी एक मजबूत कड़ी बनी। लेकिन लगातार उनसे लोगों का कटना भी आरंभ रहा, हर लोगों को टाइम भी नहीं दे पाए, गलत लोगों के साथ वो खड़े नहीं होते हैं, तो वो भी एक कारण रहा कि उनसे धीमे धीमे लोग कटते चलेगा। और फिर जहां पर आपने कहा कि लोधी वोट बैंक जहां 55 हज़ार हो, फिर यादव वोट बैंक भी खड़ा हो गया और युवा वोट बैंक भी बड़ा है, तो तमाम चीज़ें एक ऐसी बनी जहां से इक्वल स्थिति बनती चली गई। इसीलिए जब प्रीतम जी आया, स्वामी जी लड़ते थे पर प्रीतम सिंह जी आए, तो प्रीतम सिंह जी के चुनाव में जो लगातार चुनाव में जो दो परिणाम आएंगे उसमें जीत का अंतर बिल्कुल कम हो गया था, और इस बार इक्वल की इक्वल स्थिति थी, कोई कहने की स्थिति में नहीं है कि कोई होने वाला था। मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, 2013 का चुनाव आता है, प्रीतम सिंह से सीधा मुकाबला होता है, 8600 वोट से प्रीतम सिंह लोधी को चुनाव हरा देते हैं केपी सिंह कक्काजू। 2018 का चुनाव आता है और वहाँ स्थिति बिल्कुल इक्वल होती है और परिस्थितियाँ भले ही लोग कहें कि केपी सिंह कक्काजी उत्तरपा जीत रहे हैं, लेकिन जब परिणाम आता है तो मात्र 2600 वोट का अंतर बचता है। और ये भी बहुत बड़ा कारण रहा क्योंकि केपी सिंह कक्काजी का चूँकि अब उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है, लगातार लोगों के घर जा कर के बैठना है, लोगों के बीच हर गाँव तक पहुँचना ये संभव नहीं है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ उनके परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं है, तो आज यहाँ हम लोग। और एक चीज़ और बता दें, चूंकि आप भी थे पिछली बार हम लोग लाए, हम लोगों का 4th बजट है और हर बार हम लोग 2 दिन देते हैं, अब की दार तो 3 दिन हो गए, और जो समझ में आया केपी सिंह ने इस चुनाव को पहले पिछले 6-7 महीने से तैयारी कर रहे थे, आकलन कर रहे थे, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हम पिछोर से चुनाव लड़ रहे हैं, चूँकि उनके समर्थक उनके कार्यकर्ता और प्रीतम सिंह लोधी का एक कद जो अभी का एक हाईलाइट हुआ है उसका तमाम लोग देख रहे थे कि फाइट होगी, दोनों दो हाईलाइटेड चेहरे हैं और दोनों के अपने कार्यकर्ता है, कक्काजू का कार्यकर्ता जो है वो डिसिप्लिन में है, प्रीतम सिंह लोधी के कार्यकर्ता कभी उग्र हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक उत्साह है दोनों के बीच में। अब जैसे हमने पिछला इंटरव्यू किया था तो कक्काजू उसके पहले जितनी भी समाजों की चौपाल वो लगा रहे थे, बैठक कर रहे थे, उसमें वो यही कह रहे थे भैया अगर आप साथ दो तो हम लड़ें, वरना हम हार वे किला नहीं लड़े हैं, 6 बार के विधायक होके हार वे को चेहरा देख भी नहीं जा रहे, और फिर उम्र भी हो गई और उसमें केपी सिंह काका जी और हमारी उम्र भी हो गई और थक भी गए, भाई उम्र हो गई थक गए,
अब अगर आप लोग स्थितियां बने तो करो, फिर उनने आकलन किया भी होगा, नो डाउट। इसी बीच कांग्रेस तो छोड़िए, बीजेपी ने जो किया है, सीधा केंद्रीय नेतृत्व चुनाव मध्य प्रदेश का संभाल लिया आज बीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या उनके संगठन मंत्री हितानंद और भी जो शीर्ष नेतृत्व है, जो कमेटी है जो चला रही है, उनके प्रभारी तमाम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि टिकट किसको मिल रही है भारतीय जनता पार्टी में। ऐसे ही कांग्रेस में भी स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि दिल्ली भी टच कर रही, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को भी अपने पावर है, कांग्रेस के जब बीजेपी ज्यादा टिकट को लेकर मंथन कर रही है, और जब प्रधानमंत्री गृहमंत्री लगातार आ रहे हो तो आप समझिए कि प्रदेश का नेतृत्व तो वैसे ही शांत हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो केंद्रीय मिनिस्टर उठा रहे, जो अपने चार्टर विमानों से घूम रहे, अपने आप में एक पावरफुल आदमी है, और बीजेपी ने एक अपना एक संदेश देने का प्रयास किया कि हम चुनाव में पूरी दमखम से आने वाले, प्रधानमंत्री की रैलियां रख रही है, बड़े कद है, बड़े लीडर है। इस समय कांग्रेस पास लीडरों की कमी है, चेहरों की कमी है, लेकिन उसी के अगर बीजेपी में जाए तो बीजेपी के पास धन बल और कैडर और सत्ता सब कुछ है। ऐसे में जिनकी साफ छवि है कांग्रेस, उनका उपयोग भी करना चाहती है, और इसी यही एक कारण लगता है कि केपी सिंह को दिल्ली बुला के राहुल गांधी, चूंकि बड़ा कद है, पुराने परिचित है, तो उसको पूरी बात की गई, और दिग्विजय सिंह और उनके बीच की यही रणनीति रही होगी कि ठीक है आप पिछोर से निकलिए, वहां अकेले क्यों, और यहाँ चूंकि वो घिर रहे थे। हालांकि अभी एक वीडियो वायरल होता है, मैं आप लोगों को बता दूं, उसमें कमलनाथ जी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भैया टिकट कैसे हो गए, तो उनका शोर से लड़ाना चाह रहा था, पूरी से क्यों लड़ गए, ये कैसे हो। तो उसके बाद फिर कमलनाथ जी का ये बयान है, और कमलनाथ जी अपने किसी अपने से बात कर रहे थे और वीडियो उसका वायरल हो गया। तो ये भी एक तय था कि कमलनाथ जी की जानकारी से बाहर बात थी कि यहाँ उनका हो रहा है। एक्चुअली ये चर्चा जो है वो दिग्विजय सिंह और कहीं ना कहीं केपी सिंह की वजह से था, क्योंकि जो चंबल का एरिया है या बुंदेलखंड का जो एरिया है, यहाँ दिग्विजय सिंह अपनी होल्ड रखते हैं और उन्हीं के हिसाब किताब से यहाँ पर टिकटें भी हुई हैं। अब ऐसे में दिग्विजय सिंह और केपी सिंह ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को डिसाइड किया होगा कि शिवपुरी से वो तैयारी करें, और पांचों विधानसभा जहाँ ज्योतिराज सिंधिया के परिवार का अपना एक होल्ड है, वहाँ वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। उसमें एक चीज़ तो फंसती दिखाई दे रही है, वॉकआउट सीधा कर गए हैं, सीधा वॉकआउट कर गए हैं शिवपुरी। अब उनके पास कैंडिडेट हैं भी, तो मुझे नहीं लगता अभी तक जो जनता देखिए जैसे ही केपी सिंह का काजू का नाम आया कि कांग्रेस ने उन्हें शिवपुरी से टिकट दी, कहीं ना कहीं पिछोर की जनता में, हम और आप में भी एक हताशा सी उत्पन्न हुई। शैलेंद्र सिंह जी का जब नाम आया, शैलेंद्र सिंह जी खुद वो ये कह रहे हैं कि जहां काजू कहेंगे वो हम करेंगे, अगर आज उनका नाम भी बदला तो शैलेंद्र सिंह जी को कोई उसमें नाराजगी नहीं है, कुछ नहीं है, चूंकि वो काजू को अपना राजा मानते हैं। उन्होंने कहा है कि जो वोट से जीत के आ रहा है वो हमारा राजा, हमारे विधायक सब कुछ अच्छा कर रहे थे, इसलिए कभी हम लोगों ने दूसरा चेहरा सामने करने का प्रयास नहीं किया। अब केपी सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी और जो बड़े लीडर्स हैं जो दिल्ली में बैठ के बात हुई है, कहीं ना कहीं पूरे 5 सीटों पर कैसे कमांड रखें। और अब वो एक कल्पना करिए, पिछोर एक तहसील है जहाँ SDM लेवल के अधिकारी बैठते हैं, अब वो पहुंचे हैं जिला में तो वहाँ SP है, DM है, उन लोगों पर बात होगी, और 5 विधानसभाओं को कवर भी करेंगे और अपने अनुभव के साथ लोगों को और भी मदद भी कर पाएंगे। तो तमाम चीज़ कल मैं सौरभ जी के एग्जिट पोल को देख रहा था, इंडिया TV ने कल एग्जिट पोल किया और उन्होंने डाला जब, तो उसमें 114 सीट के समथिंग भारतीय जनता पार्टी, 110 के समथिंग कांग्रेस पार्टी, लेकिन परिस्थितियाँ आज से 10 दिन पहले तक बिल्कुल उलट थी, 125 पर कांग्रेस पार्टी। देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो टिकटों को लेकर जो रायता फैलाया है, डिसीजन जल्दी नहीं ले पाए, इसके कारण थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ है, कुछ ऐसे गलत लोगों को टिकट दे दिया, वो वहाँ चाहे जातिगत समस्या हो गई हो, चाहे व्यक्तिगत संबंधों की समस्या हो गई हो, वहाँ पर थोड़ा सा विरोध हुआ है। लेकिन अगर मीडिया सर्वे की हम बात करें तो एक पहले प्लांट चीजें नहीं चल रही हो कि अब प्रधानमंत्री जी अगर जैसे सामने आ रहे तो दिखाएंगे कि अब जीत के ही आ रहे, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ही आ रही, तो पहले उन्होंने शुरुआत की कि कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, और धीरे 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 आप हर सर्वे में देखिए तीन चार सीटें में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ाती जा रहे हैं, और जैसे चुनाव नामांकन का समय अब है तो अब वो इक्वल फाइट दिखाने लगे हैं। अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने अभी पूरे प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, कांग्रेस ने पूरे कर एक सीट होल्ड की है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है वो भी सही हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने अपने पूरे प्रत्याशी घोषित कर दिए और जो रायता बिगड़ना था बिगड़ चुका, अब यहां से स्थितियां सुधरेंगी। केपी सिंह की बात करते हैं, जितना विरोध होना था 5-6 दिन में हो गया, अब केपी सिंह की वापसी पिछोर में हो रही है, बहुत पूरे एक दिन रहेंगे,
जैसे उनका कार्य करने का स्टाइल है, बैठ के लोगों से संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, कार्यकर्ता से चर्चा करेंगे, उनकी जो गलती है, उनने जो किया है उसके पीछे का क्या उद्देश्य है, चूंकि वो स्पष्ट वक्ता है। उन्होंने जब पिछोर में जो स्थिति थी उन्होंने भी कहा था कि भैया स्थिति बन नहीं रही, महार में चुनाव नहीं लड़े, सिंधिया जी के जावे के बाद स्थिति बिगड़ी है। तो वो जब बोल रहे थे, तो आज भी वो जब कैमरे पर होंगे, हम और आपके बीच में होंगे, तो हमें आशा करते हैं, चूंकि उन जैसे नेता झूठ बोलना नहीं जानते हैं, तो हो सकता है कि वो स्पष्ट बता दें कि किन कारणों से वो चुनावी मैदान में आए हैं। और अभी जो चर्चा चल रही कि सिंधिया परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति शिवपुरी से चुनावी मैदान में आने वाला है, तो यहाँ से बड़ा चुनाव शिवपुरी का होने वाला। हाँ, मीडिया को थोड़ी दिक्कत होगी कि हम और आप शिवपुरी ना जाके पिछोर से ही काम कर लेते थे, अब शिवपुरी आपको 70-80 किलोमीटर और परेशान होना पड़ेगा। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हम लोग मौजूद थे करार खेरा के पी सिंह कक्का जी के गाँव आए थे और उन्हीं के घर के सामने इस समय मौजूद थे और वहाँ से हम लोगों ने आप लोगों को बताया। हालांकि क्या परिस्थितियाँ रहीं, क्यों वो यहाँ से छोड़कर वहाँ गए, ये वही बताएंगे। उनसे हम जब लोग चर्चा करेंगे तो ज़रूर पूछेंगे। तब तक आप सभी लोगों से निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।